और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लिपकार्ट हॉल। सो इस बार मैंने फ्लिपकार्ट से काफ़ी सारी चीज़ें बाई की है, तो वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और इस हॉल में जितने भी प्रोडक्ट मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सबके सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने इस बार फ्लिपकार्ट से कितने सारी चीज़ें बाई की है। सो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, सो आपको शो हो पा रहा होगा। इस बॉक्स में मेरे पास प्रोडक्ट है और ये मैंने बड़े वाले बॉक्स में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, बट मुझे ये सारे प्रोडक्ट एक एक करके रिसीव हुए थे, तो सब में छोटे छोटे बॉक्स थे, इसलिए मैंने इसको बड़े बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि मैं आप सबके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ। प्लस उसके साथ दो आई शेडो भी मंगाई, आपको शो हो रहा होगा। सो ये वाला जो आई शेडो, इसका रिव्यू आप सबके साथ मैंने शेयर किया है, और ये वाला आई शेडो जो कि मैंने अभी रिसेंटली से बाई किया है। तो चलिए वन बाय वन मैं आप सबके साथ सारे प्रोडक्ट शेयर करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या बाई किए हैं। तो सबसे पहले मैं बॉक्स को अपने पास रख लेती हूँ ताकि मैं इजीली आपको दिखा पाऊँ। सो सबसे पहले वहाँ से मैंने बाई किया है ये एडीएस का मेकअप फिक्सर। सो आपको जो हो पा रहा होगा ये एडीएस का मेकअप फिक्सर है, और ये पिंक एंड ब्लू कलर का इसका जो आउटर पैकेजिंग है कुछ इस टाइप का, और काफ़ी प्यारा है। जो EDS कंपनी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, सो इनका ये जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छा लगा, और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और रियल MRP है 399, बट ये मुझे डिस्काउंट में समथिंग 250 या 220 रुपीज़ ऐसा समथिंग कुछ रिसीव हो गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, और इसकी इनर पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो आपको शो हो रहा होगा कि इनर पैकेजिंग तक यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा वाला ऐसा कैप मिलता है जो कि पिंक कलर का है, देन यहाँ पे आपको स्प्रे करने के लिए यहाँ पे भी कैप है, तो आप इससे इजीली अपने ऊपर स्प्रे कर पाएंगे। और रही बात फ्रेग्रेंस की, तो इसमें से कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो ये फ्रेग्रेंस फ्री है। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इनका ये जो पैकेजिंग है ADS का वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से मैंने बाय किया है सिल्वर लीली मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो आपको शो हो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्यूब मैंने वहाँ से बाय किया है। सो ये भी मैंने वहाँ से बाय किया है, और इसकी भी रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस है 199 रुपीज़। सो इसमें मुझे कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं मिला, जस्ट ये ऐसा ट्यूब मुझे रिसीव हुआ था। और चलिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। सो कुछ इस टाइप की सी कंसिस्टेंसी है, ये ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को। और रही बात इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसमें से एक अच्छी रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है। इसमें लिली लिखा है बट इसके अंदर से ऐसे रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। सो विंटर में मैं ये मॉइस्चराइजर सबसे ज़्यादा अप्लाई करती थी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता था, तो काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको शो हो रहा होगा और ये इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सो मैंने इनका ये वाला ट्यूब बाय किया था, और इसकी क्वांटिटी आपको 150 ml मिल जाएगी। स्किन टाइप तो आपकी कोई भी स्किन टाइप है उसको सूटेबल हो जाएगा इजीली। उसके बाद वहाँ से मैंने बाय किया ये मेकअप ब्रश जो कि छोटे वाले साइज़ है इनकी। सो ये वाले भी मैं काफ़ी दिनों से देखती आ रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी एक बार ट्राई करें। और इसके साथ मुझे फ्री मिला है ये ब्यूटी ब्लेंडर। सो आपको शो हो रहा होगा, तो मैं इसे भी ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसे ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। यहाँ पे आपको 6 ब्रश मिल जाते हैं, तो मैं ब्रश भी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे ये ऐसा एक मिल जाते हैं। सो ब्रश की साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बट इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको 7 ब्रश मिल जाता है, तो मैं आपको इसे भी ओपन करके दिखा देती हूँ। सो इसमें इनका जो कलर है वो पिंक वाला, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो 7 ब्रश का सेट है, तो काफ़ी अच्छा डील है। ये भी मुझे अंडर 200 रिसीव हो गया था, तो काफ़ी अच्छी डील है। यहाँ पे आपको 7 ब्रश मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे एक ऐसा पिंक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर भी मुझे रिसीव हुआ है जो कि एक ऐसे पैकेज में रिसीव है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आपको शो हो रही होगी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ब्लेंडर और काफ़ी अच्छा है। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की प्राइस आपको 8200 रुपीज़ पड़ जाती है, और यहाँ पे हमको एक ब्यूटी ब्लेंडर फ्री मिल गया है,
तो 200 में आपको ब्रश प्लस ब्लेंडर दोनों रिसीव हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी डील है, तो आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। और ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने मंगवाया है ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेज़र, तो इसमें 5 रेज़र आपको रिसीव हो जाती है। सो इसके लिए मैंने एक सेपरेट इसका रिव्यू भी डाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हो सके तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सो ये 5 रेज़र का सेट है, और ये जो रेज़र है वो डिस्पोजल है, तो आप इजीली इसे यूज़ कर फेंक सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रेज़र है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल भी जाता है। सो मैंने रेज़र लिया था तो सेविंग फोम तो लेना बनता ही है, तो मैंने वहाँ से बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये सेविंग फोम भी लिया है। सो इसे भी मैंने यूज़ किया है, प्लस मैंने इसका भी रिव्यू सेपरेट शेयर है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फुल डेमो भी शेयर करूँगी आप सबके साथ कि इसे कैसे अप्लाई करना है और सेव करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं शेयर करूँगी। सो ये वहाँ से मैंने बाय किया। और मैं आपको रेज़र की प्राइस बताना भूल गई थी, प्राइस है 350 रुपीज़ और इसकी प्राइस है आपको 295 रुपीज़, बट ये मुझे कुछ डिस्काउंट में रिसीव हो गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से बाय किए 2 आई शेडो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, तो चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सो ये है कलर स्टूडियो का आई शेडो पैलेट जो कि मुझे अंडर 300 रुपीज़ रिसीव हो गई थी, और इसकी पैकेजिंग गाइस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं जितने भी आई शेडो बाय की उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, और ये मुझे ऐसे बॉक्स में रिसीव हुआ है। प्लस आप जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा बबल रैप मिलेगा ताकि आपकी जो आई शेडो है वो डैमेज ना हो पाए। सो कुछ इस टाइप का इसका लुक है, काफ़ी अच्छा है, नोटबुक जैसा है, तो आप इसे पर्स, अगर आप बड़े पर्स को कैरी कर रहे हैं तो आप उसमें इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। और इसमें जो कलर है वो भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स है। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सा प्लास्टिक मिल जाता है ताकि आपके आई शेडो ख़राब ना हो पाए, और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इसमें सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, आपको रेड मिल जाएंगे, न्यूड्स मिल जाएंगे, ब्लैक मिल जाएंगे, तो आप इसमें से आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी अमेजिंग है। सो अंडर 300 रुपीज़ आपको ये इतने प्यारा सा आई शेडो मिल रहा है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे कलर्स आपको शो हो पा रहे हैं, 5 कलर्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी डील है। 300 रुपीज़ में आपको 35 कलर के आई शेडो मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। तो चलिए मैं आपको इसका पिगमेंटेशन भी शो करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए इनके। सो यहाँ पे मैंने अभी हल्का सा स्वेचेस इसका दिया है एकदम लाइट, क्योंकि ये पैलेट अभी एकदम न्यू है इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा डीप करके नहीं दिया, बट आपको इसके स्वेचेस शो हो पा रहे होंगे। कलर पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्यारे प्यारे कलर है, तो काफ़ी अच्छा आई लुक आप क्रिएट कर सकते, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। प्लस इसमें ऐसा येलो कलर है जो कि येलो बाकी आई शेडो में आपको नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे येलो कलर है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। सो काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है, तो आप चाहे तो इसे बाय कर सकते, काफ़ी अच्छा है। सो इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट मैंने वहाँ से बाय किया है ये वाला आई शेडो, तो इसका भी रिव्यू मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने इनके स्वेचेस वगैरह सब शेयर किया, बट मैं सोची कि इसको क्यों ना मैं हॉल में इंक्लूड कर दूं, क्योंकि मैंने भी इसे फ्लिपकार्ट से ही बाय किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी मैं ऐड कर दूं। सो ये बड़ा वाला आई शेडो है, तो आपको शो हो रहा होगा, और इसमें 64 कलर्स है शायद। सो शायद इसमें 64 कलर्स है, तो काफ़ी प्यारे प्यारे, और इसका पिगमेंटेशन भी गाइस काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। सो मैं आपको जो ये ग्लिटरी शेड है वो उसके पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, आपको शो हो रहा होगा कितना अच्छा पिगमेंटेशन है। और ये सिमरी शेड आपको शो हो रहा होगा, ये पर्पल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक मैट भी दिखाती हूँ। सो आपको शो हो रहा होगा काफ़ी अच्छे पिगमेंटेशन है, मैं अपने हैंड पे इसके स्वेचेस करती हूँ तभी भी आपको आइडिया लगेगा। सो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट इसके जो स्वेचेस है वो पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो अगर आप थोड़े से ज़्यादा डार्क वाले आई शेडो सर्च कर रहे हैं तो ये जो पैलेट है वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है, और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। सो अगर आप ब्राइड है या फिर मेकअप आर्टिस्ट है तो आप ये एक पैलेट ले लेंगे तो आप काफ़ी सारे आई लुक क्रिएट कर पाएंगे,
क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, न्यूट्स है, बाकी और भी जो कलर्स आपको, ये सारे कलर्स हैं, काफ़ी अच्छा है ये आई शेडो पैलेट। प्लस मुझे इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि तो काफ़ी प्यारी पैकेजिंग है, ऐसा सी ग्रीन कलर पे इनके जो आई शेडो उसका चार्ट बना है, और यहाँ पे इनके जो थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह वो मेंशन है, काफ़ी अच्छा। और ये अंडर 600 है तो काफ़ी अच्छा है ये भी। सो ये भी आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट में मिल जाएगा, शायद 500 या 550 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी डील है, तो आप चाहे तो ये भी बाइक। सो ये था मेरा आज का फ्लिपकार्ट हॉल, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।